सेट ऑन दिस फेस सो मेरी टाइम्स की आपकी क्या गेम है वॉट्स हैपनिंग बिकॉज देर इज अ न्यू गर्ल इन द हाउस एंड शी इज रिलेटेड टू मुनवर आई थिंक शी इज इन डिनायल मोड स्पेश मुनवर आई वॉन्ट टू सेट टू यू क्योंकि आप एकदम फ्लैट लाइन है सच में बोरिंग है आई थिंक अभी जाके वो मनारा से ऑन फेस बातें कर रहे हैं जब उनको हर्ट हो रही हैं कुछ चीज़ें तो अगर उसको इतना ही ज्यादा था कि मैंने बिट्रे किया है तो वो मेरी शादी में क्यों नहीं आया आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट्स वॉट आई कैन से आई अग्री ऑन दैट बट आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर एंड आई वर्कड ऑन दैट एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट्स वॉट आई कैन से आई डोंट थिंक सो देर इज एनी कम्पेरिजन बिटवीन टू कपल्स दे शुड नॉट बी एनी कम्पेरिजन बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइक Relationships in their own chemistry. So I don't know what do they share because half of the time I was not there in front of them in the house. So I don't know what kind of bond they share. And I know my relationship, so I can talk about mine, not others. <laughs> no comment. Sorry, I can't. It's someone else's relationship. I can't comment on it. I was not there. I was not present there. I didn't see it with my own eyes. या सो आई कंट बिकॉज मुनवर डज नॉट शेयर एनी बॉन्ड विथ मी एंड ही इज़ वेरी क्लियर इन दैट एंड ही नेवर टॉक इन फ्रंट ऑफ मी ही नेवर केम ऑन फ्रंट फुट सो वाई वुड आई गो एंड टेल हिम के यू आर फेक आई सेट ऑन हिस फेस सो मेनी टाइम्स कि आपकी क्या गेम है मैंने तो बोला है आई सेड इट ऑन हिस फेस तो ये तो आई वॉज जजिंग कि वॉट हैपनिंग बिकॉज देर इज अ न्यू गर्ल इन द हाउस एंड शी इज़ रिलेटेड टू मुनवर सो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग व्हाट्स हैपनिंग आई एल ऑल्सो थिंक ना फर्स्ट आई एनालाइज फर्स्ट एंड देन आई टेल हिम सो आई डेड यस हाँ यार फालतू में कुछ भी <laughs> <laughs> उसकी तो आदत है ना तो उसने कभी बॉन्ड बनाने की कोशिश की और ऊपर से मुझे बोल रहा है खुद ने दरवाजे बंद किए हैं एक रिलेशन बनाने के और एंड ही इज आस्किंग मी कि ही हीज़ टेलिंग मी क आई कंट आई एम अनोचेबल सो शडाप सीरियसली शडाप शी इज अफेक्टेड डेफिनेटली बट शी सेड शी सेज इमोशनली कनेक्टेड टू हर फ्रेंड्स सो या शी मे बी अफेक्टेड एंड शी गेम हर आंसर दैट आई एम नॉट रोमैंटिकली इन्वॉल्व विद मुनवर इन द शो बट हीज़ माई फ्रेंड सो आई 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 गेट अफेक्टेड सो शी इज अफेक्टेड यर बिहेवियर से तो लगता है आई थिंक शी इज एन डिनाइल मूड बट एज शी सेज कि आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर इम सो हू एम आई टू कॉमेंट ऑन इट उसकी मर्जी है वो जाने उसकी लाइफ डेफिनेटली शी इज बिकॉज शी डजन नो हर ओन गेम शी डजन हैव हर ओन माइंड एट लीज आई वॉज टेकिंग माई ओन स्टैंड एंड फाइटिंग विद पीपल एंड माई ओपिनियंस वर स्ट्रोंगर दैन हर आई थिंक क्योंकि उसकी फ़ाइट जस्ट विक्की की फाइट्स तक लिमिटेड होती थी उससे ज्यादा उसका मैंने कुछ देखा नहीं है इट्स वेरी अनफेयर टू दी अदर कंटेस्टेंट्स बिकॉज वी डोंट हैव एनी वन टू एनी वन फॉर आर सर्विसज बिकॉज वी नेवर आस्ट फॉर इट एंड ऑनेस्टली या इट्स टोटली टोटली अनफेयर एंड वेन आयशा केम इन द हाउस शी आस्ड हर अगैन दैट मैं कैसी लग रही हु? और तो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बार कि हम लोग तो नहीं पूछ रहे मैं कैसी लग रही हूँ कि सबसे ज़्यादा पूछना तो मुझे चाहिए था क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ आई वॉज़ अंडर इम्प्रेशन कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग मैं गेम में ही नहीं हूँ गेम क्या होता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा बस मुझे इतना पता था जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ और मैं अपना स्टैंड ले रही थी मुझे बस इतना पता था ना आई वॉज़ गोइंग विद द फ्लो बिकॉज मुझे नहीं पता बिग बॉस में क्या होता है जो करना होता है वो कर रही थी मैं और बाहर निकलने के बाद पता चला है तो बड़ी अच्छा बड़ा अच्छा लगा मुझे सच्ची कि मैं बहुत अच्छा कर रही थी <laughs> हो सकता है यस क्योंकि अगर मुझे एक हिंट भी मिल जाती ना कि ऐश्वर्या यू आर गोइंग गुड तो मेरे पास एक रीज़न होता बोलने के लिए जहाँ पे लोग मेरे पे उंगली उठा रहे थे कि ऐश्वर्या यू आर नॉट इन द गेम तो शायद वो उनको क्लैरिटी मिल जाती उन Uh, बोलते ना अनपढ़ लोगों के लिए आई वॉन्ट टू से जिनको जो क्लेम करते हैं उनकी गेम की ज़्यादा नॉलेज है जिनका खुद का कोई गेम नहीं है स्पेशली मुनवर आई वॉन्ट टू से टू यू क्योंकि आप एकदम फ्लैट लाइन है सच में बोरिंग है और uh, मुझे नहीं लगते वो वैसे वाले की उनका कोई गेम चल रहा है बट हाँ ही इज़ वेरी स्मार्ट आई ऑलवेज सेड इट और मैंने उनको बहुत एडमायर भी किया है इनिशियली बट वो कभी फ्रंट फुट पे नहीं आए हैं आई थिंक अभी जाके वो मनारा से ऑन फेस बातें कर रहे हैं जब उनको हर्ट हो रही है कुछ चीज़ें तो अभी आए हैं वो फ्रंट फुट पे बट आई होप कि वो जो रिलेशंस उन्होंने बनाए हैं जब उनको सर्टन चीज़ें पता चलिए तो वो अपने फ्रेंड्स जहाँ पर गलत है वहाँ पे भी स्टैंड ले जहाँ पे ले नहीं रहे हैं वो टोटली नहीं ले रहे हैं इट्स वेरी अनफेयर फॉर हिम टू ही शुड टेक हिज स्टैंड पता नहीं वो नहीं ले रहे हैं डेफिनेटली ही इज़ I want to tell you all that person. I broke up with that guy in 2014. And after nine years, he came here and he's claiming that he is my boyfriend and he's sharing pictures. I was in college with him, honestly. And uh, whatever he is doing for publicity, clearly it is for publicity. He wanted to enter in Big Boss. एज़ पर माई नॉलेज जो मुझे बाहर आके पता चला है आई वॉज़ रियली शॉक्ड अगर उसको इतना ही ज़्यादा था कि मैंने बिट्रे किया है तो वो मेरी शादी में क्यों नहीं आया वो uh, मेरे शो जब मेरा शो चल रहा था वहाँ क्यों नहीं आया खतरों के खिलाड़ी के टाइम क्यों नहीं बोला वाई ही वॉज़ कीपिंग क्वाइट और इतने सालों में जब मैं मेरा था जब मैं कर रही थी कुछ तब क्यों नहीं आया भाई तुम क्या कर रहे हो क्या प्रूव करना चाहते हो यू आर शेयरिंग पिक्चर्स जस्ट बी सेंसिबल सीरियसली बी सेंसिबल मैं कुछ भी नहीं बोल बोलना चाहूँगी उस बारे में ही इज़ जस्ट डूइंग बुलश सीरियसली ही इज सच अ बुलश गाए वॉट इवर ही इज डूइंग आई एम सो डिसंटेड इन हेम कि उसने ये किया है सो गुड फॉर यू थैंक यू गुड लक ओवर कॉन्फिडेंट Fake, undeserving. Uh, fighter. Therapist. Bad -bad. He failed at his own game. Entertainer. <laughs> Dull. No game. Confused. <laughs> uh, winner. <laughs> Hi, this is Ashwarya Sharma, and you are watching me on Pink Villa.